जैसे मदिरा के नशे में बेभान मनुष्य अपने पराये को नहीं पहचान पाता, उसी प्रकार से मोहनीय कर्म के कारण आत्मा स्व और पर का भेद नहीं कर पाता है। मोहनीय कर्म कर्मों का राजा है। 8 कर्म में से एक मोहनीय कर्म से मुक्ति बाकी सब कर्मों से मुक्ति करवा सकती है। मोहनीय कर्म की परंपरा एक साइकिल जैसी है। मोहनीय कर्म का उदय होने पर अगर हम उसे भुगत लेते हैं तो ऐसे ही नए कर्म का बंध हो जाता है, जबकि दूसरे कर्मों के उदय को भुगत लेने से वह कर्म क्षय हो जाते हैं। मोहनीय कर्म के उदय को भुगतना या नहीं भुगतना हमारे हाथ में है। हमें हमारे आत्मा को ऐसे निमित्तों के साथ जोड़ना या नहीं जोड़ना हमारे हाथ में है। अगर बस एक बार क्रोध के निमित्तों के बीच शांति और संयम रख लिया तो अनंत काल से चली आ रही क्रोध की परंपरा को तोड़ सकते हैं। दूसरी ओर बस एक बार निमित्तों में घुल मिल जाने के कारण क्रोध करने से भविष्य में यह परंपरा को आगे बढ़ाने जैसा होगा और पता नहीं फिर ऐसी समझ किस भाव में मिलेगी। इस अनंत काल की चेन साइकिल को कैसे ब्रेक किया जाता है उसे हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से जानेंगे। हम फ्लो चार्ट के माध्यम से जानेंगे कैसे मोहनीय कर्म में फंसे हुए हैं। उदाहरण के लिए क्रोध लेते हैं। अनादि काल से हम क्रोध करते आए हैं, उसके फल रूप हमारे सामने ऐसे निमित्तों का सर्जन होगा जिसमें हमें क्रोध आए। अब हमारे पास दो चॉइस है, समता रख के शांत रहे या फिर क्रोध कर दे। अगर शांत रहे तो वह कर्म का प्रदेश उदय होकर क्षय हो जाएंगे, और अगर क्रोध किया तो फिर से ऐसे कर्मों का बंध हो जाएगा और बस यह साइकिल चलती रहेगी। यदि एक के बाद एक हर एक कषाय की चेन को हम तोड़ दें तो हम सारे कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। अनादि काल की परंपरा जिसकी टूट जाती है उसे सकाम निर्जरा कहते हैं। थोड़े समय के लिए जिसकी परंपरा टूटती है उसे अकाम निर्जरा कहते हैं। संसार का दूसरा नाम है मोह, संयम का दूसरा नाम है मोह विजय। तो हमें इस मानव भव में मोह पर विजय प्राप्त करके संसारी से संयमी बनने का पुरुषार्थ करना है। तो चलिए हम भी इस मानव भव को सार्थक करते हैं। देव, गुरु, धर्म जैसे सत निमित्त से जोड़कर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप आने वाले सभी वीडियो की जानकारी भी पा सकते हैं।